Hello everyone, welcome to Virtual Learning Hub. Today we are going to learn and understand the concept of subject and object in a sentence. One thing which I would like to clear here is that here you will only learn and understand how to communicate in English. Okay. Second, the content of all the classes will be bilingual, both in English and in Hindi, so don't worry about that part. Third, whatever you learn from here, practice it every day in your life. Then only you will see the result. Okay, let's get started from here now. First is subject. यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करेंगे पहला वो सब्जेक्ट होगा हमारा. मैं सबसे ब्यूटीफुल जो एक कहते हैं ना डेफिनेशन लग के जो हमेशा काम आएगी आपके, आपको हर तरह की डेफिनेशन मिल जाएगी. जैसे यहाँ सब्जेक्ट इज़ अ थिंग और अ पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन और इज रिलेटेड विद द एक्शन. ठीक है, वो बात तो सही है. अब मान लो ऑब्जेक्ट ही ना हो तो या एक्शन ही ना हो तो कैसे पता करेंगे आप सब्जेक्ट क्या है. तो सिंपल एक चीज़ याद रखिए, जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. सबसे बढ़िया डेफिनेशन है. जब भी सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में, किसी के विषय के बारे में, जिस भी सेंटेंस जो है जिसके भी विषय में बात कर रहा होगा वही आपका सेंटेंस होगा. सीधा सिंपल यही सबसे बेस्ट है कि सेंटेंस जो जिसके बारे में भी बात कर रहा है, जिसके विषय में भी बात कर रहा है या बता रहा है वही आपका सब्जेक्ट होगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कैसे आपको दिक्कत आ सकती है या किस तरह से आप पहचान सकते हैं उसको बेस्ट तरीका. वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. ठीक है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि जैसे कि डेफिनेशन में दिया है सब्जेक्ट इज अ थिंग और अ पर्सन और अ पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन और इज रिलेटेड विद द एक्शन. ठीक, तो परफॉर्म एक्शन कौन कर रहा है? वी, हम कर रहे हैं. रिस्पेक्ट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है. एक्शन किससे रिलेटेड है, मतलब परफॉर्म जो एक्शन का परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड है? हमसे रिलेटेड है. तो हम तो यहाँ सब्जेक्ट हो गए. अब मान लीजिए किसी ने कह दिया दिस इज़ अ बॉल, वहाँ पे तो वर्ब है ही नहीं, तब आप पता कैसे करेंगे? तब वहाँ सिंपल सा फंडा यही लगाइएगा कि पूरा सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट होगा. कहने का मतलब अगर दिस इज़ अ बॉल लिखा हुआ है, मतलब पूरा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? बॉल के बारे में. सब्जेक्ट क्या हो गया? बॉल. आई होप ये क्लियर होगा. आगे चलते हैं. ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु जो क्रिया से प्रभावित होता है, विच और हु रिसीव्स द एक्शन, और इट इज़ अ पर्सन और अ थिंग विच इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब. कहने का मतलब यह है कि जो भी एक्शन होगा, जो भी वर्ब, जो भी एक्शन ऑफ वर्ब होगा उसका जो भी इम्पैक्ट होगा या जिसको भी वो अफेक्ट होगा, मतलब जिसको भी वो अफेक्ट करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि स्टार्टिंग में जैसे कि हमने बोला था वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स वाले में. आपने ध्यान दिया होगा रिस्पेक्ट किसको अफेक्टेड, रिस्पेक्ट करने से कौन अफेक्टेड होगा या उसका इम्पैक्ट किसका, वो जो रिस्पेक्ट है वो किसको इम्पैक्ट कर रहा है. कहने का मतलब कि अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो किसकी करने के लिए हमें कहा जा रहा है? हमारे पेरेंट्स की. तो एक्शन का इम्पैक्ट, एक्शन किसको अफेक्ट कर रहा है? पेरेंट्स को. ठीक, रिस्पेक्ट किसकी करनी है? पेरेंट्स की. तो ये किसका अफेक्शन, ये जो हमारा रिस्पेक्ट जो वर्ब है वो उसका जो भी एक्शन है वो किसको अफेक्ट हो रहा है, वो किससे रिलेटेड है, ये वो किसको इम्पैक्ट कर रहा है, कौन उसका एंड रिजल्ट रिसीव कर रहा है? ऑब्वियसली आवर पेरेंट्स, क्योंकि रिस्पेक्ट किसकी करनी है हमें? पेरेंट्स की. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है विच और हु रिसीव्स द एक्शन और इट इज़ अ पर्सन और अ थिंग विच इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो एक्शन क्या है हमारा? रिस्पेक्ट. या वर्ब क्या है हमारा? रिस्पेक्ट. तो किसकी करनी है हमें रिस्पेक्ट? पेरेंट्स की.
पेरेंट्स किससे क्या एक्शन से किस कौन एक्शन का जो भी क्रिया का जो भी प्रभाव हो रहा है वो किस पे पड़ रहा है, और पेरेंट्स पे। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आर पेरेंट्स। बहुत से लोग आपको व्हाट हुम के तरीके बताएंगे टू अंडरस्टैंड क्या कि मतलब उसमें से कौन सा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, मतलब बहुत अच्छा तरीका है पहचानने का। बट कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रहेंगे तो ये अच्छा होगा ना, क्योंकि फिर जब आप बात करोगे तो आप व्हाट और हुम लगा के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पता करोगे। उस टाइम आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो कि हम पूरे सेंटेंस के बारे में जो बात कर रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जो भी उस एक्शन और उस वर्ब के एक्शन से या उसको रिसीव उसके एक्शन को रिसीव कर रहा होता है या उसके एक्शन से अफेक्टेड होता है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी पर्सन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा और कई बार इनडायरेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तब आप पता नहीं कर पाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूँ शी बॉट मी अ पेंसिल, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ शी बॉट, शी तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक, शी बॉट मी अ पेंसिल, ठीक है, उसने मेरे लिए पेंसिल खरीदा। पेंसिल आप समझ जाओगे तुरंत ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि खरीदने का इम्पैक्ट इस पे आ रहा है सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी होगी, मी भी एक ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है वर्ब के एक्शन का, ना सिर्फ पेंसिल पे, क्योंकि आप पेंसिल खरीदोगे दोगे तो ऑब्वियसली उसका एक्शन भी वहाँ रिसीव हो रहा है, बट साथ ही साथ मी पे भी, किसके लिए खरीद रहे हो, मेरे लिए। उस वर्ब का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, मेरे लिए। जैसे कि सेंटेंस में बोला था ना मैंने शी बॉट मी अ पेंसिल, तो यहाँ पे मी जो है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका पेंसिल हो जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग अस, बाय बाय।